नमस्कार दोस्तों, फाइनली बजाज कंपनी अपनी एवेंजर 220 स्ट्रीट का भाई नया 2025 मॉडल को लॉन्च करने वाली है, जिसमें दोस्तों बजाज कंपनी अपनी एवेंजर 220 को भाई कम्प्लीटली चेंज करने वाली है, जिसमें आप लोग को नया लुक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग को बाइक में नए नए काफ़ी सारे फीचर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों बाइक की प्राइसिंग भी थोड़ी सी बढ़ चुकी है, तो मतलब दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे एवेंजर 220 का जो नया 2025 मॉडल है, इसमें क्या कुछ अपडेट या फिर चेंजेस हुए हैं, उसी के बारे में आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को डिटेल के साथ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही काफी सारे वीडियोस की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग इस बाइक के लुक के बारे में बात करें, तो बाइक का जो लुक है दोस्तों, यहाँ पर जो है बजाज कंपनी ने कम्प्लीटली भाई बदल दिया है। क्योंकि आप लोग इस बाइक का जो है टैंक देखे या फिर सीट देखे, सीट वैसे इसमें जो है अब आप लोग को स्प्लिट सीट देखने को मिल रहा है, पहले आप लोग को सिंगल सीट ही देखने को मिलता था। इसके अलावा दोस्तों साइड पैनल और रेयर पे जो है आप लोग को बैकरेस्ट वगैरह तो अभी भी देखने को मिल ही रहा है, और रेयर का जो मडगार्ड है, फ्रंट का जो मडगार्ड है, तो मतलब दोस्तों बाइक का जो लुक है यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। और अब आप लोग बताइए कि आप लोग को ये पुरानी एवेंजर का लुक ज़्यादा पसंद आ रहा है या फिर आप लोग को ये नई मॉडल का एवेंजर ज़्यादा पसंद आ रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। बात कर जाए दोस्तों अगर फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे अपडेट किया गया है। जैसे कि दोस्तों अब आप लोग को इसमें जो है कम्प्लीटली यहाँ पर जो है LED लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा। आप लोग को फ्रंट पे जो है पहले सिर्फ और सिर्फ LED का DRL देखने को मिलता था, लेकिन अब आप लोग को LED का हेडलैम्प भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को इस बाइक में जो है राउंड शेप में फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया जाएगा, जिसमें कि दोस्तों आप लोग को जो है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे भाई। और इसमें आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इस बाइक में आप लोग को डुअल डिस्प्ले के साथ डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पहले आप लोग को इस बाइक में सिंगल चैनल ABS मिलता था, और अब आप लोग को इसमें डुअल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आप लोग को जो है अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे, साइड स्टर्न इंजन कटऑफ सेंसर के साथ तो पहले के साथ ही आती थी, और USB चार्जिंग पॉइंट भी आप लोग को देखने को मिलने वाला है। तो मतलब दोस्तों फीचर्स आप लोग को इस बाइक पे अब पहले के मुकाबले भरपूर देखने को मिलेंगे। बात कर लिया दोस्तों अगर इंजन के बारे में, तो इंजन दोस्तों आप लोग को इस बाइक में जो है पहले की तरह ही देखने को मिलेगा। इंजन में यहाँ पर जो है कोई भी बदलाव आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि पहले की तरह ही दोस्तों 220 cc की ऑयल कूल इंजन रहने वाली है, जिसमें दोस्तों लगभग आप लोग को 18.76 BHP के आसपास में पावर और 17.55 Nm तक का टॉर्क देखने को मिलेगा। जो कि ये जो बाइक है दोस्तों, ये 5-speed ईयरबॉक्स के सेटअप के साथ आएगी, जिसमें दोस्तों आप लोग को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टार्ट ही देखने को मिलेगी। बाइक में आप लोग को कोई भी यहाँ पर किक स्टार्ट देखने को नहीं मिलने वाली है। माइलेज दोस्तों लगभग आप लोग को 40 से लेकर 45 KMPL के आसपास में देखने को मिलने वाली है। बाकी प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए, तो पहले के मुकाबले दोस्तों 5 से 10,000 रुपये जो है इस बाइक की प्राइसिंग बढ़ सकती है, और अब आप लोग को इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइसिंग है ये लगभग जो है 1,80,000 रुपये के आसपास में देखने को मिलेगा। लॉन्च के बारे में बात करी जाए, तो इस बाइक को दोस्तों 2025 तक में जो है बजाज कंपनी अपडेट करके लॉन्च कर देगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस बाइक को लेकर, और आपके हिसाब से इस बाइक में और क्या कुछ अपडेट हो सकते हैं, उसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।